तो भाई लोग, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि आप ये वाला नेम आर्ट वीडियो कैसे बना सकते हो। वैसे यार इस वीडियो को बनाना बहुत आसान है, मेरे बहुत से भाइयों को मालूम भी होगा ये वीडियो कैसे बनाया जाता है। तो जिनको मालूम है भाई आप वीडियो को स्किप कर सकते हो, और जिनको नहीं मालूम है कि ये वीडियो कैसे बनाए तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरा सिखाऊंगा। और प्लस मैं आपको एक ट्रिक भी बताऊंगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखना तब आपको ट्रिक बताऊंगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करेंगे, और काइन मास्टर एप्लीकेशन ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक आइकन दिख रहा होगा, इस आइकन पे हमको क्लिक करना है, और यहाँ पे हमको ये वाला फ्रेम चूज़ करना है 16:9 वाला। ये वाला फ्रेम चूज़ करने के बाद सीधा मीडिया के ऑप्शन पर चलेंगे, और मीडिया के ऑप्शन पर चलने के बाद यहाँ पे हमको एक वीडियो ऐड करना पड़ेगा, टम्पलेट वीडियो, जो कि इसी यही वीडियो है, मतलब इसमें मोबाइल वाला चार्जिंग वाला ही वीडियो है, हैंड से जो चार्जिंग होता है, लेकिन इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, खाली है। ये वीडियो आपको डाउनलोड कर लेना है। इस वीडियो का डाउनलोड लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन पे, तो उस लिंक पे क्लिक करके आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पे आ जाना है। तो चलिए अपन इसको एडिटिंग स्टार्ट कर देते हैं। तो भाई लोग क्या करना है, ये वीडियो आपको ऐड कर लेना है। जब आप यहाँ पे ऐड कर लोगे ये वीडियो, तो ऐड करने के बाद सबसे पहले तो आपको अपना नाम लिखना पड़ेगा यहाँ पे। तो नाम आप यहाँ से लिखोगे, लेयर पे क्लिक करेंगे, स्टार्टिंग पॉइंट पे आके लेयर पे क्लिक करने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे टेक्स्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। नॉर्मली टेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको अपना या फिर अपने गर्लफ्रेंड का या फिर आप जिसके भी नाम पे बनाना चाहते हो वो यहाँ पे आपको टाइप कर देना है, और यहाँ पे ऐड कर लेना है। अब इसका जो फॉन्ट है, फॉन्ट वो आपको चेंज कर देना है, यहाँ पे नोटो सेरिफ बोल्ड पे आके फॉन्ट हम चेंज कर लिए। अब इसको ओके करेंगे, और यहाँ पे यही रहने देना है। नीचे ऑप्शंस में हमको एक ऑप्शन मिलेगा ग्लो का, यहाँ पे ये वाला ऑप्शन आप ग्लो वाला देख रहे हो, इस पर क्लिक करना है ग्लो वाले पे, और इसको इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद यहाँ जो पीला कलर दिख रहा है, मतलब आपको यहाँ पे सबसे पहले इसको फुल कर देना है, थोड़ा सा बढ़ा देना है, और यहाँ पे जो येलो कलर में इसको आपको चेंज करना है, इस कलर पे क्लिक करना है, और यहाँ पे इसको ब्लू कर देना है ताकि आपका वीडियो अच्छे से बन पाए। तो फुल ब्लू करने के बाद हम इसको ओके कर देंगे। चलो फुल ब्लू ओके हो गया। अब हम इसको इसका पॉइंट भी फुल कर देंगे, बढ़ा देंगे इतना, चलो हम इसको रख देते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे सबसे पहले टेक्स्ट को आपको पोजीशन दे देना है, तो यहाँ पे आप छोटा कर देना ताकि ये मोबाइल के स्क्रीन में आ सके, आप जितना चाहो उतना छोटा कर सकते हो, मैं इतना कर रहा हूँ। छोटा करने के बाद इस टेक्स्ट का जो पोजीशन है वो आपको बिल्कुल लास्ट तक कर देना है। सबसे पहले आपको एक पोजीशन दे देना है, अच्छे वाला पोजीशन देने के बाद इसको लास्ट तक हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम वीडियो को प्ले करके देखते हैं, तो हमारा वीडियो कुछ ऐसा प्ले हो रहा है जैसा कि आप देख रहे हो, बस इतना नॉर्मल सा वीडियो, इसमें कुछ भी ज़्यादा एडिटिंग नहीं है। तो यहाँ पे ये हो चुका है एडिटिंग, बस आपको इसको टिकटॉक पर अपलोड करना है, सेव करके इन एनिमेशन पे जाके सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं, यहाँ पे ये लेटर बाय लेटर कर देंगे ताकि एक एक वर्ड लिखे। तो यहाँ पे इन एनिमेशन पे आके हम इसको लेटर बाय लेटर कर दिए, और उसका टाइमिंग हमको 1 ही रखने देना है, इसके बाद इसको ओके कर देना है। बस हो गया वीडियो कम्प्लीट, लोड टोटली हमारा बन चुका है। तो चलिए एक बार प्ले करके देखते हैं, तो कुछ ऐसा हमारा वीडियो प्ले हो रहा है, और ये कम्प्लीटली भी बन भी चुका है। तो अब हमको इसमें कुछ भी नहीं करना है, सीधा टिकटॉक पर अपलोड कर देना है, और यहाँ पे आपको मैं एक ट्रिक भी बताने वाला हूँ। तो ये ट्रिक, मतलब सबसे पहले मैं इसको सेव कर लेता हूँ। तो ट्रिक कुछ ऐसा है कि जब भी आप अपलोड करते हो, अगर आपकी वीडियो में कुछ लाइक्स आ जाते हैं, तो बहुत सारे बोलते हैं भाई मेरे नाम का बना दो, मेरे नाम का बना दो, भाई मेरे नाम का बना दो, ये नाम का बना दो। तो आप क्या करोगे भाई, सबके नाम का बनाने के लिए आपको फिर से बनाना पड़ेगा, मतलब बहुत आपको बहुत सारे नामों का बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर एक ट्रिक है जो कि आपको बहुत आसान हो जाएगा, आप चाहे जितने नाम पर बनाओ। तो ये ट्रिक, सबसे पहले ये आप ये प्रोजेक्ट आपको रहने देना है, वीडियो सेव करने के बाद बैक आना है, और ये प्रोजेक्ट पे क्लिक करके बार बार इसी प्रोजेक्ट पे आना है आपको, और यहाँ पे जो टेक्स्ट आपने बनाया है इसी टेक्स्ट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे ये कीबोर्ड का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर देना है, और जो भी नाम आपको दूसरे नाम का बनाना है वो नाम बस यहाँ पे लिख देना है, बस टाइप कर देना है, हो गया। मैं दूसरा नाम जैसे कि लिख के ओके कर रहा हूँ, तो ये अब दूसरे नाम का बन गया, बस इतना ही सिंपल है, और कुछ भी नहीं करना है, चाहे जितने नाम का बनाओ।